शनिवार को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में दक्षिण अफ्रीका से लाए 12 चीतों की दूसरी खेप को लेकर भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर मध्य प्रदेश के कून्हो नेशनल पार्क उतरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाशिवरात्रि पर फिर मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, पहले 8 चीते आए थे और आज फिर से 12 चीते आए हैं। पहले जो चीते आए वे इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, वे स्वाभाविक रूप से जीवन जी रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की दूसरी खेप आने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम की सोच पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण बचाने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। चीते विलुप्त हो गए थे, वे फिर से पुनः स्थापित हो रहे हैं, जो कि इस चीता प्रोजेक्ट से किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को एक सहयोग समझौते के तहत भारत में 12 चीतों को स्थानांतरित किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इससे प्रदेश में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने चीता मित्रों से बातचीत की। वहीं लोगों को चीतों की सुरक्षा के साथ उन्हें जागरूक करने के लिए चीता मित्रों को प्रेरित भी किया गया। वहीं कहा गया कि लोग चीतों के संबंध में जारी नियमों का पालन करें। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कून्हो नेशनल पार्क में एक चीते को छोड़ा। साथ ही केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी चीता छोड़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व वन मंत्री कुंवर विजय शाह भी मौजूद रहे। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। वे कर रही से सुनब चीते का इंतजार, 12 अफ्रीके चीते आकर बन गए बन के पहरेदार। प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को अब सैर कराने टूरिस्ट सर्कल बन गई कून्हो। संस्कृति और प्राकृतिक क्षेत्रों से जुड़कर कून्हो राष्ट्रीय वन की शोभा बढ़ गई। रोजगार के अवसर बढ़े हैं, वन भी सुरक्षित हो गए हैं। विश्व पटल पर भारत के नक्शे पर मोदी जी के चीता छप गए हैं। हो गया भील शिकारी, चीता मित्र बन गए हैं। ले संकल्प किए शस्त्र समर्पित, धनुष बाण कुल्हाड़ी छोड़ गए हैं। विश्व पटल पर भारत में अब मोदी और चीता छप गए हैं। बहुत बहुत।